हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का पूरे पूर्ण रूप से हल कर लिए थे, आज प्रश्नावली 1.3 का एक्सरसाइज हल करते हैं। तो चलिए आप लोगों का टाइम का नुकसान न करते हुए अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो आपको प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करने से पहले एक प्रमेय की जानकारी हो जानी चाहिए। वो प्रमेय क्या कहता है, कह रहा है यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P एक अभाज्य संख्या है, कहने का मतलब है कि P आपका यहाँ अभाज्य यानी स्वयं से विभाजित होगा और किसी से नहीं होगा। अभाज्य संख्या जैसे एक होता है, दो होता है, तीन होते हैं, पाँच होते हैं, सात होते हैं, 11 होते हैं, ये देखिए ये स्वयं के सिवाय और किसी से विभाजित होने वाले नहीं है, यानी इनका गुणनखंड एक है, केवल ये एक से कटने वाले हैं और किसी से कटने वाले नहीं है। तो ये कह रहा है P एक अभाज्य संख्या है, यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी जो ये P है ये ए स्क्वायर को काट सकता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये P जो है A को भी विभाजित करेगा। आइए जैसे हम दिखाते हैं, जैसे ये कह रहा है कि ये दो जो है ये दो के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो दो के स्क्वायर को विभाजित करेगा अर्थात ये दो जो है चार को काट सकता है, तो इस प्रकार ये दो जो है दो को भी काट सकता है। इसके कहने का मतलब ये है, एक आप एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये तीन है और ये तीन है, ये तीन के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो ये तीन तीन के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो ये तीन जो है तीन को भी विभाजित कर सकता है। इनके कहने का मतलब यही है। तो ये प्रमेय 1.3 याद करके रखेंगे, क्या रखेंगे, यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P A को भी विभाजित करेगा। चलिए आपकी प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवाल नहीं, हर एक सवाल इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नावली 1.3 से जितने सवाल हैं आप उदाहरण के, आपके एक्सरसाइज के हर एक सवाल लगा लीजिएगा, बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, पूरे 90% चांस है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का। तो सबसे पहले सवाल आता है सिद्ध कीजिए √5। सबसे पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √5, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान से समझिएगा भैया। इसमें सवाल लगाने के तरीके आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जब इस प्रकार का सवाल दिखाई पड़े, जैसे √5 आ गया, √2 आ गया, √3 आ गए, √7 आ गए, √9 आ गए, √8 आ गए, √11 आ गए, तो जब इस प्रकार के सवाल दिखाई पड़े, जब एक संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना रहता है, तब हम क्या करते हैं, इसमें नियम होते हैं, स्टेप वाइज स्टेप आपको सिखाते हैं। चलिए हम मानते हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मानते हैं, उसका विरोधाभास मानते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से समझिएगा, आपने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या होता है वो P बटे Q के रूप का होता है, जहाँ Q not equal to 0 होता है। अर्थात अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q अर्थात A बटे B के रूप में लिख सकते हैं। इसे a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो a बटे b का रूप का होता है, जहां b not equal to 0। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे a आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, √5 का गुणा b से कर देंगे, √5 भी आ गए। ध्यान से समझिएगा, अब यहां हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब वर्ग करोगे तो ये √ हट जाएंगे, 5 आ जाएंगे और साथ में बी स्क्वायर आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये क्या कर रहा है, ए स्क्वायर
पाँच ए स्क्वायर जो है पाँच को विभाजित करता है, यहाँ से क्या मिल रहा है देखिए, ए स्क्वायर पाँच को विभाजित करता है, लिखेंगे ए स्क्वायर पाँच को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब आप कहोगे सर कैसे पता ए स्क्वायर पाँच को विभाजित कर रहा है, देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के तब बराबर है जब इसमें पाँच का मल्टीप्लाई किया गया है, अर्थात ये ए स्क्वायर पाँच को विभाजित कर सकता है। उसके बाद तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखते हैं, तब क्या होगा, ए जो होगा पाँच को विभाजित करेगा, ए पाँच को विभाजित करेगा भैया यहाँ प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से, देखिए प्रमेय 1.3 क्या है, कह रहा था ना P एक अभाज्य संख्या है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यहाँ क्या कह रहा है, ए स्क्वायर पाँच को विभाजित करेगा, यही ए स्क्वायर पी को विभाजित करेगा तो ए स्क्वायर पाँच को विभाजित करेगा, तो अतः ए जो है वो किसको विभाजित करेगा, सॉरी यहाँ बी नहीं होना चाहिए था, ए किसको विभाजित करेगा, पाँच को विभाजित करेगा। बात समझ आया, अब हम मान लेते हैं, माना जो ये ए पाँच को विभाजित कर रहा है तो यहाँ एक पूर्णांक मान लेते हैं, मान लेते हैं माना ए बराबर क्या मान लेते हैं, पाँच सी, कोई सी एक पूर्णांक है, एक सी मान लिया, यानी ए पाँच से विभाजित था तो ए बराबर क्या हो गए, पाँच सी हो गए। ए का मान कहाँ पर रख देंगे, ए का मान समीकरण एक में रख दीजिएगा, ए बराबर पाँच सी समीकरण एक में रखने पर, तो ए का मान, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है ए स्क्वायर बराबर फाइव सी स्क्वायर, सॉरी फाइव बी स्क्वायर है, देखिएगा फिर क्या है, ए के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, पाँच सी का स्क्वायर रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, पाँच बी स्क्वायर, और देखिए इनका स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पाँच बी स्क्वायर, पाँच इक्के पाँच, पाँच पच्चे पच्चीस, तो पाँच सी स्क्वायर बराबर क्या आ गए, बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर किसको विभाजित कर रहा है, पाँच को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे समीकरण से इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि बी स्क्वायर किसको विभाजित कर रहा है, पाँच को, तो बी स्क्वायर पाँच को विभाजित करता है, को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है प्रमेय 1.3 से, अतः बी पाँच को विभाजित करेगा, अतः बी पाँच को विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 से। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो बी है और जो आपका ए है, बी और ए, ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है, यानी बी भी पाँच से विभाजित है, देखिए बी भी पाँच से विभाजित है, ए भी पाँच से विभाजित है, यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः यह स्पष्ट होता है कि ए और बी जो है उभयनिष्ठ, ए और बी के एक कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लिखेंगे ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, गुणनखंड एक है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब आपने माना क्या था, आपने माना था अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है, परंतु हम लोगों ने गलत माना था, तो गलत माना था तो गलत सिद्ध किए, तो परंतु विरोधाभास प्राप्त होता है, क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः लिख देंगे, अतः अंडर रूट पाँच क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये आपका सवाल सिद्ध हो गया है, तो इस सवाल के लगाने के आपके यही तरीके हैं, इसे आप स्टेप वाइज स्टेप खूब अच्छे तरीके से अभ्यास कीजिएगा, ये आपको बोर्ड के पेपर में जरूर न जरूर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस बार, ठीक।
तो हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की तरफ। तब तक आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो वही स्टेप, सबसे पहला स्टेप इसको उल्टा मानेंगे। माना, अब देखिएगा इसमें जो है सवाल बदल गए हैं। यहाँ एक संख्या को अपरिमेय नहीं प्रूफ करना है, यहाँ दो संख्या आ गई हैं, तो हमको इनको लगाने के तरीके अलग हो जाएंगे। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक, एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या, तो इसको हम लोग a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो गया? a बटे b हो गए। ध्यान से समझिएगा, हमने इसको a बटे b के रूप में लिखा तो 3 + 2 √5 बराबर क्या आ गए? a बटे b आ गए। अगर हम आपसे पूछें कि ये 3 उधर चला जाए, 3 का हम लोग पक्षांतर कर दें तो क्या मिल जाएगा? जरा सा समझिएगा भैया, 3 का अगर हम लोग पक्षांतर कर दें तो क्या आ जाएगा? 2 √5 बराबर क्या आ जाएगा? ध्यान समझिएगा, a बटे b माइनस कितना आ जाएगा? 3। इनका पक्षांतर कर दिया गया, a बटे कितना आ गया? -3। ध्यान से समझिएगा, अब अगर 2 को हम लोग यहाँ से हटाएं तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएंगे, किस में हो जाएंगे? डिवाइड में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर 1/2 a/b -3। इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर क्या आ जाएगा? a-3। या तो हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं इनको। अब यहाँ से क्या बता सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि चूंकि यहाँ a और b क्या है? एक पूर्णांक है। a b एक क्या है? पूर्णांक है। अतः a और b एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अतः a और b एक क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। क्या लिखेंगे? यहां से लिखते हैं, क्या लिखेंगे भैया? चूंकि a व b एक क्या है? पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। a व b एक पूर्णांक है, अतः आपका जो ये √5 है वो इसको भी विभाजित करेगी। क्या करेगी? इसको भी विभाजित करेगी। या आप लोग दूसरे वर्ड में लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 1/2 a और b एक पूर्णांक है, अतः 1/2 या तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, क्या लिख देंगे? लिखिए, अच्छा, 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः परंतु विरोधाभास प्रमेय क्या होता है? आप मान के क्या चले हो? परिमेय है, तो परिमेय गलत माने हो, तो परिमेय प्रूफ कर रहे हो, तो परिमेय नहीं तो क्या है? अपरिमेय है। तो विरोधाभास प्रमेय से ये दी गई संख्या क्या है? दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक, ये हो गया। इस तरीके से इसको लगाना रहता है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब आपका तीसरा नंबर सवाल है। हर आप लोगों से, डियर स्टूडेंट, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैप्टर के हर एक सवाल को अच्छे तरीके से अभ्यास करके जाना है, क्योंकि इस चैप्टर का एक सवाल या दो सवाल आपके पेपर में जरूर पूछता है। तो चलिए, तीसरे का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। तीसरा नंबर, सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है? अपरिमेय है। तो चलिए, पहला सवाल है 1/√2, 1/√2। दूसरा है 7/√5। तीसरा है 6+√2। ध्यान से समझिएगा,
ये वाला सवाल और इसके आधार पे इन दोनों सवालों को आपने पहले और दूसरे सवाल में अभ्यास किया है। पहला सवाल हम लोग बताते हैं, तो चलिए पहला क्या है, माना एक बटे अंडर रूट दो, माना एक बटे अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो अतः इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटे अंडर रूट दो बराबर ए बटे क्या लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो बी का गुणा एक में कर देंगे, बी आएगा अंडर रूट टू ए आ गए। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीस क्या, यहाँ वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट टू हट जाएगा, टू आ जाएगा, ए का वर्ग करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि बी स्क्वायर टू को विभाजित करता है, क्या करेगा भैया, यहाँ देखिए बी स्क्वायर, या तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो टू है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, या तो ऐसे लिखेगा बी स्क्वायर किसको विभाजित कर रहा है, टू को विभाजित कर रहा है, किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर टू को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है, कर रहा है, अतः बी भी टू को विभाजित करेगा, बी भी टू को विभाजित करेगा, ठीक। ये बात लिख ली, ये सवाल सेम टू सेम भैया आपके पहले के जैसा है। फिर उसके बाद मान लेते हैं, माना b बराबर क्या, 2cc एक पूर्णांक हो जाता है, माना b बराबर क्या हो गया 2c, ठीक। तो ये आप बना लीजिएगा समीकरण नंबर क्या एक, तो b का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है भैया, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो b के स्थान पे रख देते हैं 2c, तो 2c का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, तो 2c का वर्ग करोगे तो 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, दो एक के दो दुनी चार, यहाँ आ गए 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, a स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, a स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, उन्हें समझिएगा, ए स्क्वायर टू को विभाजित कर रहा है तो ए भी टू को विभाजित करेगा, कहाँ से, प्रमेय 1.3 से विभाजित करेगा, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अतः इससे ये सिद्ध होता है, अतः लिख सकते हैं ए और बी के कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी b भी दो से विभाजित है, a भी दो से विभाजित है, तथा लिख सकते हैं अतः a व b के सह अभाज्य गुणनखंड हैं, a व b क्या है भैया, सह अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या है भैया, सह अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः लिख सकते हैं विरोधाभास प्रमेय से, अतः दी गई संख्या, अतः एक बटे अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपके तीसरे का पहला पार्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर, तीसरे का दूसरा नंबर मिटा देते हैं इनको। तीसरे का दूसरा नंबर क्या है भैया, 7√5 दूसरा पोर्शन। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, तो 7√5 बराबर a बटे क्या लिख दिए, b लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 7 को इधर करते हैं तो इधर गुणा में, तो इधर किधर चले जाएंगे, डिवाइड में, तो a बटे क्या आ जाएगा, 7b, 7 इधर मल्टीप्लाई में थे तो इधर आ गए डिवाइड में, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि a बट a व b
बी एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, अतः ए बटे सात बी एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास, परंतु विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से क्या हो जाएगा, सात अंडर रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही आपका सवाल है। ठीक, जब ऐसे पूछे जाते तो ये सवाल ये हो गए। अब आप तीसरा नंबर जो है, ये तीसरा क्वेश्चन इससे पहले वाले जो सवाल बताए गए थे उसके आधार पे है, आप लोग लगाइएगा। अगर न आए प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा, हम आपके इस सवाल को समाधान कर देंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के जरिए से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको मैं अनिकेत पाठक आपको पढ़ा दिए हैं। आपकी आप इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।